बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जब से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री विवादों में फंसे हैं, उसके बाद से ही अब बयानों का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी बीच अब विवादों में फंसे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को योग गुरु बाबा रामदेव का बड़ा समर्थन मिला है। आपको बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव ने बड़ा बयान देते हुए धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन किया है और दूसरे धर्मों पर तंज कसा है। बाबा रामदेव ने अपने बयान में कहा है, हिंदू धर्म पर बोलने वाले लोग बहुत आ जाते हैं। आजकल महाराज धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ भी ऐसा ही एजेंडा चलाया जा रहा है। दूसरे धर्म के लोगों में पाखंड किसी को नहीं दिखता। मुल्ला मौलवी पादरी पाखंड करते हैं, उस पर कोई नहीं बोलता और सनातन पर सवाल उठाने आ जाते हैं। बालाजी की कृपा और चमत्कार देखना है तो धाम चले जाओ। तो कुछ इस तरीके से योग गुरु बाबा रामदेव ने बयान देते हुए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन किया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नागपुर में श्री रामचरित चर्चा का आयोजन किया गया था, जहां धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का दरबार लगा। इस दौरान अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर जादू टोने और अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर दिव्य दरबार और प्रेत दरबार की आड़ में जादू टोना को बढ़ावा देने का आरोप लगा। महाराष्ट्र की संस्था ने धीरेंद्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाते हुए उन्हें चुनौती दी कि वो नागपुर में उसके मंच पर आकर अपने चमत्कारों को दिखाएं। अगर ऐसा वो नहीं कर पाते तो मुकदमा झेलने के लिए तैयार रहें। जिसके बाद मामले ने इतना तूल पकड़ा कि दोनों तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई। इसके बाद पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति को मुंहतोड़ जवाब भी दिया और अब इसी बीच बाबा रामदेव का भी उन्हें बड़ा समर्थन मिला है और बाबा रामदेव ने बड़ा ऐलान करते हुए कह दिया है कि सनातन पर बोलने वालों को अगर दम है तो दूसरे धर्मों पर बोलकर दिखाएं। फिलहाल सुनिए अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति को मुंहतोड़ जवाब देते हुए पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कुछ कहा था। नागपुर में पहले उस पूरे विषय को हम क्लियर कर देते हैं और इसको जरूर उन तक पहुंचा दीजिए। हमारे पास तो उनकी चुनौती बाद में आई है, हमारी बात आपसे प्रार्थना पूरी मीडिया से। पहली बात तो ये प्रत्येक मीडिया वाले और प्रत्येक व्यक्ति और जो भी वो अमुक हैं तथा कथित, उनसे आई रिक्वेस्ट कि हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। हमारी कथा 7 दिन तक की ही थी, उसका स्क्रीनशॉट 3 तारीख का न्यूज पर बागेश्वर धाम ऑफिशियल पेज पर 3 जनवरी को पहले से ही डेट घोषित कर दी थी कि हम केवल 7 दिन की कथा करेंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव का जन्मोत्सव था और आगामी सभी कथाएं 7-7 दिन की 2-2 दिन घटाई गई क्योंकि फरवरी में हमारे यहाँ यज्ञ है। दूसरी बात, हमने 2 दिन का दिव्य दरबार लगाया तब वो क्यों नहीं आए। तीसरी बात, हमने 7 दिन की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा। इसका मतलब वह भगोड़ा और वह छोटी मानसिकता के लोग हैं, आने के बाद तो कोई भी भौंक सकता। अब यहां पर पहले 9 दिन की कथा थी, 25 तारीख तक, यहां भी बता देते हैं 23 तारीख तक है। अब हम 23 को चले जाएं, फिर आप 24 को कहो कि हमने चुनौती दी इसीलिए पंडाल छोड़कर बागेश्वर सरकार भाग गए ठटरी के भरे। 2 दिन का दरबार लगा, आप आए नहीं, आपने कोई हमारे पास जानकारी नहीं भेजी, आने के बाद आपने भेजा। दूसरी बात, हमारे बागेश्वर बालाजी के दरबार में न बुलावा है, न दावा है, न दक्षिणा है, फिर बवाल क्यों। हम आपसे पूछते हैं, भारत के लोगों से पूछते हैं और मीडिया में जरूर चलाइएगा, तो मैं सौगंध है सनातन धर्म की, जिन्होंने ये चुनौती दी उनको भी प्रार्थना है आप हमारी बात को बहुत गंभीरता से सुनो। तो दूसरी बात, न दावा न बुलावा। तीसरी बात, हम अंधविश्वास कब फैला रहे जब दक्षिणा ही नहीं लेते, तो अंधविश्वास कैसा, जब हम कोई रुपया नहीं लेते, शुल्क नहीं लेते। निशुल्क में जो हमारे पास कृपा है उसका प्रचार गुरु कृपा से कर रहे हैं, हमें हनुमान जी ने चुना है। हम ये तो कहते नहीं कि हम चमत्कारी आदमी हैं, ये भी नहीं कहते कि हम ईश्वर हैं, हम ये भी नहीं कहते कि हम कोई समस्या दूर कर सकते हैं, पर हम ये कहते कि हमारा इष्ट दूर कर सकता है। जैसे माता पिता अपने पुत्र की तबीयत खराब होने पर प्रार्थना करता है, तो हम गुरु के नाते पूरे विश्व की प्रार्थना करते हैं। ना बुलावा, ना दावा, नाम दक्षिणा लेते, तो अंधविश्वास तो हम फैला नहीं रहे।